हेलो एवरीवन, कैसा काय? आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक दूंगा उस ट्रिक से आप एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड की जितनी भी नेम रिएक्शन है उसके रिएक्टेंट, उसके रिएजेंट एंड उसके प्रोडक्ट तीनों को बहुत इजीली याद कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए, ट्रिक नंबर वन, रोजनमंड रिडक्शन। निमोनिक्स, रोजनमंड की बहन जी को कल ही पैदल या बस से बंगाल जाना होगा। दैट मीन्स बहन जी का मतलब बेंजीन लेना है, को मतलब सी डबल बॉन्ड, कल मतलब सी एल, तो ये आपका एक रिएक्टेंट हो गया। रिएजेंट कैसे, ही मतलब हाइड्रोजन, पैदल मतलब पी डी, बस मतलब बैरियम सल्फेट, तो ये रिएजेंट हो गया। प्रोडक्ट क्या है, बेंगोल मतलब बेंजल डिहाइड आपको बनाना है, डैट मीन्स क्लोरीन हटा कर करके हाइड्रोजन आपको लगा देना है। और इसमें जो पॉइंट सब है, बहन जी को मैंने बेंजीन, को मतलब सी डबल बॉन्ड, कल मतलब सी एल, ही मतलब हाइड्रोजन, पैदल का पी डी लिया, बस मतलब बैरियम सल्फेट, बेंगोल बेंजल से जस्ट कनेक्ट किया, तो इससे आपका ये रोजनमंड रिडक्शन याद हो गया। नेक्स्ट स्टीफन रिडक्शन, तो उसके लिए निमोनिक्स है, रचना सुनो कल एसिड में वाटर को ऐड कर देना। रचना में एक एक लेटर छोड़ करके आर सी एन लिया हमने, राइट, एक एक लेटर को ड्रॉप कर दे, इसलिए उसको स्मॉल लेटर से लिखा है, तो आर सी एन आपको लेना है। और सुनो कल मतलब स्टेनस क्लोराइड, एसिड मतलब एच सी एल, तो आपको पहले आयमीन बना देना है, राइट, पार्शियल रिडक्शन हुआ ये। फिर उसके बाद वाटर, वाटर लोगे तो ये दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको एच, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे उसको ओ एच, दो बॉन्ड ब्रेक किया तो इस कारण पे दो ओ एच आएगा, एक कारण पे दो ओ एच अनस्टेबल होता है, वाटर को आपको बाहर कर देना है, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, अल्डिहाइड। तो कोह मतलब वही है, सी एच ओ को से बना लिया कोह, एड मतलब अल्डिहाइड आपको बना देना प्रोडक्ट, तो ये हो गया आपका सिंपल स्टीफन रिडक्शन। इटार्ड रिएक्शन, निमोनिक्स, टॉल मैन इटार्ड ने क्रो को कल वाटर पीते बंगाल में देखा। टॉल मैन मतलब टॉलिन, बेंजीन पे सी एच थ्री, इटार्ड नेम हो गया, क्रो को कल मतलब क्रोमाइल क्लोराइड, सी आर ओ टू सी एल टू से क्रो को कल, वाटर मतलब उसके बाद ये एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसमें वाटर डालेंगे तो बंगाल मतलब बेंजल डिहाइड आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखा, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे उसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है, राइट, तो आपको मालूम है लेस को मोर को लेस, तो ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसको एच मिला, इसको ओ एच, एक कारण पे दो एच अनस्टेबल होते हैं, वाटर बाहर कर दिया तो आपका प्रोडक्ट आ गया बेंजल डिहाइड। नेक्स्ट गेटरमैन कोच रिएक्शन, उसके लिए निमोनिक्स है, बहन जी गेटरमैन कोच है बंगाल का, तो बहन जी मतलब बेंजीन लेना है, गेटरमैन नेम रिएक्शन हो गया, कोच में तीन वर्ड है, ध्यान से देखो, सीओ लेना है कार्बन मोनोऑक्साइड, एसी मतलब एल्युमिनियम क्लोराइड, ए से एल्युमिनियम, सी से क्लोराइड, इन प्रेजेंस ऑफ एच सी एल, तो उसका ही एच लिया हुआ है, राइट, तो एसिडिक मीडियम में लेना है, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बंगाल मतलब बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट। नेक्स्ट फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, उसके लिए निमोनिक्स है, बहन जी और रुको कल फर्स्ट क्लास एसी टिकट से जाना। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, बहन जी मतलब बेंजीन लेना है, और मतलब एराइल, रुको मतलब एल्काइल सी डबल बॉन्डो, कल मतलब क्लोरीन, डैट मीन्स आपको असाइल क्लोराइड लेना है, और फर्स्ट क्लास मतलब कि फ्राइडल क्राफ्ट हो गया, एसी मतलब एल्काइल क्लोराइड का प्रेजेंस होना चाहिए एज ए कैटलिस्ट, तो क्या टिकट की लास्ट में क्या रहा, किट मतलब कीटोन आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। और इस टाइप के रिएक्शन का कंसेप्ट आपको बता रखा हूँ, जरूरी नहीं है कि बेंजीन हो, बेंजीन पे कोई ग्रुप लगा हो, अगर वो प्लस एम होगा तो ऑर्थो पैरा पे आएंगे, और अगर माइनस एम होगा तो मेटा पे आपको इस ग्रुप को ले आना है, क्या करना है, सी एल को बाहर कर देना है, आर सी डबल बॉन्ड ओ प्लस, इस कारण प्लस, इसको जोड़ देना आपको ऑर्थो या पैरा वाले हाइड्रोजन को हटा करके, अगर ग्रुप होंगे तो, ग्रुप नहीं है तो डायरेक्ट बेंजीन पे अटैच कर दो। नेक्स्ट किलिमेंसन रिडक्शन, उसके लिए निमोनिक्स है, जहाँ होगी कल लो अल्डिहाइड कीटोन को कहेगी हेलो सिंगल। जहाँ होगी मतलब जेड एन एच जी, कल लो मतलब क्लोरीन सी एल एच सी एल, अल्डिहाइड कीटोन आपका रिएक्टेंट होगा, को मतलब उसमें सी डबल बॉन्ड ऑफ फंक्शनल ग्रुप होगा, राइट,
हेलो सिंगल मतलब एल्केन बना देना है। क्यों? क्योंकि एल्केन में सिंगल बॉन्ड होते हैं, या सिंगल मतलब अकेला, अकेला मतलब एल्केन, उससे हमने कनेक्ट किया है। वैसे ही नेक्स्ट वुल्फ किशनर रिडक्शन, तो उसके लिए निमोनिक्स है। नहीं नहीं, वुल्फ ने कृष्णा को बोला अल्डिहाइड कीटोन होगा अकेला। नहीं नहीं मतलब NH2, वुल्फ ने कृष्णा, नेम हो गया रिएक्शन का, को मतलब सी डबल बॉन्ड हो, अगेन अल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप होंगे, बोला मतलब बेसिक मीडियम लेना है, अल्डिहाइड कीटोन रिएक्टेंट हो गया, होगा अकेला मतलब एल्केन बना देना है। तो ये दोनों म्यूनिक से आप दोनों नेम रिएक्शन को याद रख सकते हो। नेक्स्ट कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस, उसके लिए निमोनिक्स है। रुको ना, कोलवेज इलेक्ट्रिसिटी से अकेला CO2 बनाता है, राइट? इससे वंडरफुल थिंग, कैसे? रुको ना मतलब RC डबल बॉन्ड O-Na+, डेट मीन सोडियम एसीटेट लेना है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो आपको एनोड पे RR अकेला मतलब एल्केन और CO2 ये दोनों मिल जाएंगे, बनाता है मतलब कैथोड पे आपको हाइड्रोजन मिल जाएगा, राइट? तो वेरी सिंपल, आप ध्यान से देखें। नेक्स्ट हेल वोलहार्ड जिलेंसकी रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, तो उसके लिए निमोनिक्स है। हेलो रेड कार HVZ अल्फा कंपनी की कार है, डैट मीन्स हेलो मतलब आपको क्या लेना है, हेलोजन, रेड मतलब रेड फॉस्फोरस, कार मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट? HVZ रिएक्शन का नाम हो गया, अल्फा मतलब अल्फा पोजिशन पे, कार्बोक्सिलिक के बगल में जो कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन, अल्फा पोजिशन पे हेलोजन लेना, अल्फा कंपनी की कार है मतलब प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है लेकिन अल्फा पे हेलोजन आ जाएगा। तो इस निमोनिक्स आप याद रख सकते हैं। तो आई होप मेरा यह प्रयास आपको बहुत पसंद आया होगा। मैंने पूरी केमिस्ट्री को, चाहे वो फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, अपने सिंपल ट्रिक से कनेक्ट कर करके 120 वीडियो लेक्चर में ख़त्म किया है। आप नीट या JEE के लिए इस लेक्चर को फॉलो करो, डेफिनेटली इससे बाहर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।